यथ नारिस्तु पूज्यति रमन्ते तत्र देवताः। सुप्रभात सभी को। आज मैं प्रणम्या, नवीसा कक्षा की छात्रा, आपके सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है बेटी क्यों बनाए। शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जीवन मेरा, शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जीवन मेरा। तुम पे ना कोई भोज में बनती, तुम पे ना कोई भोज में बनती, कर्ज चुका कर जाती मैं तेरा, कर्ज चुका कर जाती मैं तेरा। आई थी इस जग में मैं, आई थी इस जग में मैं, बिन सोचे क्या हशर मेरा, बिन सोचे क्या हशर मेरा। सुना था लोग है बसते, सुना था लोग है बसते, पर टूट गया भरम मेरा, सुना था लोग है बसते, पर टूट गया भरम मेरा। क्या खुशियां मिल जाएगी, क्या खुशियां मिल जाएगी, करके जीवन खत्म मेरा, करके जीवन खत्म मेरा। मत भूल ये बात मगर तू, मत भूल ये बात मगर तू, औरत से ही है जन्म तेरा, औरत से ही है जन्म तेरा। जब चीख चीख कर चिल्लाई मैं, जब चीख चीख कर चिल्लाई मैं, मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंची, जब चीख चीख कर चिल्लाई मैं, मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। मेरे हत्या के आखिर, मेरे हत्या के आखिर, किस इंसान ने गवाही दी, किस इंसान ने गवाही दी। पूछूं मैं ये सवाल किसको, पूछूं मैं ये सवाल किसको, किस गलती की सजा दी, किस गलती की सजा दी। अगर बेटी होना पाप है, अगर बेटी होना पाप है, तो बेटी क्यों बनाई, अगर बेटी होना पाप है, तो बेटी क्यों बनाई, बेटी क्यों बनाई। अंत में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बेटी या नारी किसी भी घर की भोज नहीं होती, बल्कि हर एक नारी जग की सम्मान होती है। अगर नारी नहीं तो पूरा संसार नहीं, नारी को सम्मान दो। इसी के साथ मैं प्रणम्या आपसे विदा लेती हूँ। आशा हो कि आपको मेरी कविता अच्छा लगी हो। धन्यवाद और एवं शुभ दिन।